फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? एंड आज हम निकलने लगे हैं सिद्धिविनायक टेंपल के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। यानी हमको अभी यहाँ से बाय ट्रेन जाना पड़ेगा दादर स्टेशन तक, जो वहाँ से टैक्सी लेके जाएंगे। और काफ़ी ही ज़्यादा फेमस टेंपल है वो, मुंबई का सिद्धिविनायक। और कहते हैं अगर यहाँ आते हो आप तो वहाँ ज़रूर जाए, बिकॉज वो काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है। और वो क्यों है वो मैं आपको वहाँ जाकर बता ही दूंगा। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आती है, हर कोई वहाँ पर जाता है। और जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से मनोकामना मांगता है वो पूरी भी होती है। तो चलो आज मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और बताता हूँ उस मंदिर के बारे में भी, क्यों है और क्या है। तो चलो चलते हैं अभी सिद्धिविनायक। सो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं दादर के लिए और अभी हम CST में। तो अभी हम CST से ट्रेन लेंगे, लोकल ट्रेन जाती है यहाँ से इजली मॉर्निंग में, आफ्टरनून इवनिंग टाइम हर 5-10 मिनट में यहाँ से ट्रेन निकलती है लोकल ट्रेन। तो अभी हमने लोकल ट्रेन ले ली है और इसमें 5 रुपये टिकट एक बंदे की लगती है दादर तक, और अप्रोक्स आपका 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो अभी हम दादर तक जाएंगे और दादर से उतर कर वहाँ से सिद्धिविनायक मंदिर के लिए हम जाएंगे, तो ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दादर में। हम देख सकते हो ये दादर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, तो थोड़ा वो होता है बट प्लेटफॉर्म का लग जाता है पता ईज़िली। और यहाँ से रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको ऐसी मार्केट कुछ देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको फूल ही फूल देखने को मिलेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे मंदिर है इस करके। तो यहीं से आपको बाहर AC बस मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही AC बसें लगी होती हैं यहाँ पे, और उसमें 7 रुपये पर पर्सन ऐसे लगता है वहाँ पे, 6-7 रुपये पर पर्सन का मंदिर तक। और वो आपको मंदिर के गेट के पास ही वहाँ पे उतार देंगे। तो अभी आप भी मॉर्निंग टाइम है, अभी 6:30 बजे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है मार्केट में अभी मॉर्निंग टाइम ही। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्धिविनायक मंदिर के गेट के अंदर, हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ भी आपको फूल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप फूल वगैरह मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली ले सकते हो, और आगे भी आपको मिल जाएंगे मंदिर के पास भी प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा, फूल भी मिल जाएंगे, जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो गणपति को समर्पित करने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मंदिर के गेट के पास, और यहाँ पे अभी यहाँ शूज़ वगैरह के काफ़ी ज़्यादा काउंटर हैं, तो आप शूज़ वगैरह वहाँ पे रख सकते हो अपने। और ये प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर आप प्रसाद भी ले सकते हो। और यहाँ से एंट्री होगी और फिर हम अभी लाइन में यहाँ पर लग जाएंगे, और अभी मॉर्निंग टाइम है, जल्दी ही निकले थे तो इतना रश था नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी रश रहता है मॉर्निंग टाइम में भी। जैसे आप आफ्टरनून या इवनिंग टाइम आओगे तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे दर्शनों के लिए। सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण कार्य जो था वो 19 नवंबर 1801 में पूरा हुआ था, लेकिन ऐसी मान्यता मानी जाती है यहाँ की कि इसके निर्माण में जितनी भी धनराशि लगी थी वो एक किसान महिला ने दी थी, और उस महिला की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो चाहती थी कि जो भी महिला इस मंदिर में अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा से आए, गणपति बप्पा उसे ऐसा आशीर्वाद दें कि वो महिला कभी वांझ ना रहे। और इस सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ और भी बता दूँ, तो जो सिद्धिविनायक मंदिर है ये गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है सिद्धिविनायक, और गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्ध पीठ से जुड़ी होती हैं। और अभी हम लाइन में लग जाएंगे यहाँ पे ताकि हम भी दर्शन कर सकें गणेश जी के, और आपको भी दर्शन करवा दें। वैसे तो और यहाँ पे जो है वो फोटोग्राफी वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, बाहर लिखा भी हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप अंदर नहीं यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए रिस्क लेके कर रहा हूँ मैं यूज़ यहाँ पे। बट जो मंदिर के अंदर है आप वहाँ पे कोई भी फ़ोटो वगैरह शूट नहीं कर
कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वाले भी खड़े होते हैं, तो वो आपको कैमरा वगैरह अंदर मंदिर के अंदर यूज़ नहीं करने देंगे। बाहर तो आप इजीली कर सकते हो यूज़, बट मंदिर के अंदर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अभी हम मंदिर के अंदर जाने लगे हैं और ये है गणपति बप्पा की प्रतिमा, तो आप दर्शन कर सकते हो। और जो इनकी सूंड है वो दाईं तरफ मुड़ी हुई है, आप देख सकते हो, और तभी ये सिद्ध पीठ मंदिरों में आता है। और जैसे ही आप गणेश जी के दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे गणेश जी की सवारी मूषक की प्रतिमा रखी हुई है, तो इनके कान में भी आप कुछ बोलकर अपनी विश मांग सकते हो। और सेकंड आपको ये बता दूँ कि जैसे आप बाहर आओगे तो यहाँ पे प्रसाद के काउंटर हैं और यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो ईज़िली। तो यहाँ पे 40 रुपये के अराउंड आपको प्रसाद मिल जाएगा, उसमें लड्डू रहेंगे, पैकिंग में रहेगा, तो आप जितने भी चाहो उतने पैकेट यहाँ पे ले सकते हो प्रसाद के। और बाकी तो बाहर दुकानों में भी आप इजीली प्रसाद वगैरह ले सकते हो, मंदिर में आप चढ़ा सकते हो। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।